जय श्री राम। जय श्री राम दीवान जी, हम तीन चार दिन में वापस आ जाएंगे, तब तक यहाँ के सब काम खत्म करवा लीजिए। राम जी की कृपा से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब खत्म कर दूंगा जी। मेरा मतलब है कि यहाँ का काम वाम सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, आपने भरतपुर फोन तो कर दिया था ना? जी मैंने फोन कर दिया था, फिर भी मैं याद दिलवा दूंगा। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। अरे यार, गीता मेरी इकलौती बेटी है, शादी के बाद सारी धन दौलत तेरी तो हो जानी है ना? ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा, ऐसी धूमधाम से शादी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जिंदगी भर याद रखेगा तू। बस इस रिश्ते को मंजूर कर ले यार। जी हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? अरे बधाई हो, बधाई हो। ऐसा करते हैं, शाम को क्लब में मिलते हैं। ओ दादी, बोलो बेटा, गर्दन फूट जाएगी। बेटे अब ये जोर आजमाइश तू कमल की गर्दन पे करना। अरे अभी मेरा कमल ना समझ है, इतनी जल्दी शादी मत कीजिए उसकी। वाह, अरे बोनवीटा पिला रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा है। 20 साल का नौजवान हो गया है तुम्हारा लाडला। अरे जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं तो मालूम है सारे गांव में तबाही मचा रखी थी। अरे वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। ये तो मेरे पिताजी ने शादी जल्दी करवा दी थी, वरना मैं तो वरना क्या ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। अब देखो, सेठ सुनहरी लाल की बेटी के साथ में रिश्ता मैंने तय कर लिया है। अरे इकलौती बेटी है वो, और फिर हम बचपन के दोस्त हैं। दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है? मैं कमल से शादी की बात नहीं कर सकती। अरे शादी करवा रहे हैं उसकी, फांसी थोड़ी ना चढ़वा रहे हैं। अरे शुभ शुभ बोलो जी। हाँ? अरे उसे पढ़ तो लेने दो अभी। अरे शादी करके भी तो पढ़ सकता है वो। शादी करके अगर पढ़ सकता तो क्या? आपके मतलब की बात नहीं है। ठीक है, मैं अपने मतलब की बात उससे खुद ही कर लेता हूँ, देखता हूँ वो मुझे ना कैसे करता है। इधर है। कमल, कमल। अरे कहाँ हो बेटे? जी जी, क्या कर रहा है? जी कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? जी नहीं। हाँ। क्या है चादर के अंदर? हाँ? जी मैं ही तो हूँ, देखो तो। मैं पैंटी पहना था कि आप आ गए पिताजी। अरे अभी तक शर्माता है, वो भी अपने बाप से। चल जल्दी पैंट पहन ले। आप मुंह उधर कीजिए ना, फिर मैं पहनता हूँ। अबे जब मैं तेरी उम्र का था ना तो बिना पैंट के ही चला जाता था। जी ले, कर लिया। अच्छा एक बात तो बता, सेठ सुनहरी लाल की बेटी तुझे कैसी लगती है? जी वैसी ही है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ गीता तुझे कैसी लगती है? बिल्कुल राधा दीदी जैसी। गीता तुझसे छोटी है, उसे बहन मत बुला। लेकिन पिताजी आप ही तो हमेशा कहते थे कि हर लड़की बहन जैसी होती है। अबे गीता को थोड़ी ना कहा था बहन बनाने के लिए। अब तुम मेरे मतलब की बात सुन लो, गीता से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पिताजी अभी मेरी उम्र ही क्या है? अबे जब मैं तेरी उम्र का था तो मैंने कई कई दिनों की। क्या पिताजी? तेरे मतलब की बात नहीं है। देख मैं वचन दे चुका हूँ, गीता की शादी तेरे से ही होगी, बस। क्या डैडी और गीता, आंटी और सुनहरी लाल? हाँ यार, मैं तो शादी के चक्कर में पागल हो जाऊंगा। तू फिक्र मत कर यार, अपने होते हुए ये शादी नहीं हो सकती। देख कमल, हम दोनों तेरे साथ हैं। हाँ मैं कल ही जाता हूँ और अंकल को समझाता हूँ। नाउ कम ऑन यार, चीयर अप, लाइब्रेरी में चलते हैं। चल कम ऑन। 5 लाख रुपए ब्लैक स्टैलियन पे लगा दो जी, और व्हाइट हाउस पे 8 लाख इमीडिएटली, और बाकी का जो बैलेंस है वो यहाँ ले आओ जल्दी। क्या बात है सर, आजकल आप बड़े उखड़े उखड़े से नजर आते हैं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। वक्त वक्त की बात है, आजकल मेरा ध्यान कहीं और है। अब प्लीज हरी अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस क्विकली। हेलो अंकल। अरे आओ बेटे, बैठो बैठो। कैसे हो? ठीक हो। तुम्हारा फोन नहीं चल रहा है क्या? हाँ, आप फोन पर खुशखबरी सुनाना चाहते हैं ना? बिल्कुल, मगर खुशखबरी तो आप तब सुनाएंगे जब कमल शादी के लिए हाँ कर देगा। क्या मतलब? वो तो जहर खाने की धमकी दे रहा है। वो ऐसी हरकत भी कर सकता है? जी हाँ। अजय तुम उसे समझाओ, गीता के आते ही सब ठीक हो जाएगा। देखिए अंकल, अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वो जरूर कुछ कर बैठेगा। उसे शादी से इनकार है?
वैसे मैंने आंटी से बात कर ली है, उन्होंने भी शादी के लिए इनकार कर दिया है। ठीक है, मैं अभी फोन पे सुनहरी से बात कर लेता हूँ। हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं लक्ष्मीदास बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल जी, मेरा मतलब है समधी जी, सॉरी मेरा मतलब है मेरे होने वाले ससुर जी। अरे बेटे, किसका फोन है? अरे अरे, आपका फोन है, आपका लीजिए। कौन है? बात कीजिए। हेलो समधी जी। अरे यार, सुनहरी नहीं, अब तो समधी बोल, समधी समधी हो गया हो तेरा। वो कार्ड वार्ड जो है ना, छपवाना बंद कर दो। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, बात यह है कि कमल अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। अरे आखिर क्यों? क्या उसे गीता पसंद नहीं? अरे नहीं यार, गीता उसे ना पसंद नहीं है, अभी वो थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर ले, बाद में उसे समझाकर शादी करा देंगे। हाँ, गीता जैसे तेरी बेटी है ना, वैसे ही मेरी बेटी है। समझ गया यार, सब समझ गया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लो फोन ही काट दिया। हाँ तो अजय, मुझे शक्ति दो भोलेनाथ, शक्ति दो ताकि मैं बदला ले सकूं, बदला ले सकूं अपने और पिताजी के अपमान का, बदला ले सकूं समाज के उन लक्ष्मीदासों से जो भेड़ बकरी समझ के लड़कियों की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं, मुझ जैसे कितनी नाजुक कलियों को मर्दों के जुल्म का शिकार होना पड़ता है। मर्द? पिताजी भी तो मर्द है। नहीं नहीं भोलेनाथ, पिताजी को छोड़ के, मगर भोलेनाथ तुम्हारी ये भक्तिन ना तो आत्महत्या करेगी, ना ही ट्रेन के आगे कूदेगी, कूदेगी तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। मुझे शक्ति दो भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं सेठ लक्ष्मी दास के लाडले बेटे कमल को मच्छर की तरह मसल सकूं। मालकिन, क्या है? मालकिन, छोटे मालिक ऊपर चले गए। क्या? हाँ, किसने कहा तुझसे? अरे कहता कौन मालकिन, कुछ कहा न सुना, बस ऊपर चले गए और मैं देखता रह गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे किसकी नजर लग गई उसे, कोई मुझे भी उसके पास भेज दे। मैं तो बर्बाद हो गई भगवान। अब क्या हो गया भाग्यवान? पड़ गई ना कलेजे को ठंडक, हो गई ना खुश। मैं शादी कैंसिल कराया हूँ। हाँ, लड़के को ऊपर भेज के शादी कैंसिल करवा दी। सबर करो भाग्यवान, गीता तुमसे तुम्हारा कमल नहीं छीनेगी। अरे वो मनुष्य तो खुश होगी कि मेरा बेटा चला गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाय हाय, बेटा मर गया और बाप को विश्वास नहीं होता। कमल मत, कौन कौन कहता है ये? शंभू से पूछो ना। शंभू आया मालिक, मेरा कोई कसूर नहीं मालिक। हाँ, आप सारा कसूर मुझ पर ही लाद दो। अरे मेरा बच्चा। मेरा बेटा। पिताजी, ये क्या हो रहा है? कमल, कमल मेरे लाल, तू ठीक है? शंभू मालिक, अब तू तूने तो कहा था ये? अरे मालिक, कमल कमल मेरी बात तो सुन बेटा। कमल बेटे, बेटा सुन तो, कमल बेटे, कमल सुनो, अरे सुनो तो। अरे ये क्या कर रहा है ये कमल? ये क्या गोली खा रहा है ये? हाँ, अरे जहर खा रहा है। अरे नहीं, खा रहा है। अरे डॉक्टर को बुलाओ ना, जोर लगा के, हाय दम लगा के, हाय
ध्यान लगा के उल्टी कर दे, कर दे कर दे भाई। एक गोली निकली, दूसरी निकालो, दूसरी निकल गई, और निकालो, अब और नहीं है, ठीक हो गया, सीधा लिटा दो भैया, अब इसे सोने दो भैया।